पतंजलि इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग FMCG कंपनी बन चुका है, जहां अमूल, डाबर, यूनिलीवर जैसी कंपनीज को कस्टमर एक्विजिशन और पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए सालों साल लग गए थे। पतंजलि ने एस्टैब्लिशमेंट के सिर्फ 12 साल में ही 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का एनुअल रेवेन्यू जनरेट कर चुका है और पतंजलि ने आने वाले 5 ईयर्स में 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा का एनुअल टर्नओवर का टारगेट रखा है। वेल हाय एवरीबॉडी, और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द रियल रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इंडियाज वन ऑफ द टॉप FMCG कंपनी पतंजलि। पिछले 100 सालों से टूथपेस्ट के नाम पर जहरीले केमिकल्स से लोग अपने दांतों पर अत्याचार कर रहे हैं। सरकारक मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पत्थरों की साइंटिफिक आयुर्वेद की परंपरा व रिसर्च के आधार पर हरियाणा में जन्मे योग गुरु रामदेव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योग आसनास का इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचा रहे थे। तभी 1995 में आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने दिव्या फार्मेसी स्टैब्लिश किया। दिव्या फार्मेसी की स्थापना स्वामी शंकर देव के मार्गदर्शन पर की गई थी, जो खुद स्वामी रामदेव के गुरु थे। उस टाइम पर दिव्या फार्मेसी को सिर्फ रजिस्टर करने के लिए भी बाबा रामदेव के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। शुरुआती दिनों में आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलों को फेस करना पड़ा, लेकिन फिर भी पहले 3 सालों तक फार्मेसी में फ्री दवाइयां दी जाती थी। पैसों की कमी के चलते बाबा रामदेव खुद ही ग्राइंडिंग और मिक्सिंग करते थे और रॉ मटेरियल्स कलेक्ट करने में भी खुद ही लगे रहते थे। जल्द ही बाबा रामदेव और दिव्या फार्मेसी को पॉपुलैरिटी मिलने लगा। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव दोनों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन दिव्या फार्मेसी एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड था। आमतौर पर यह माना जाता है कि एक ट्रस्ट को अपने रिसोर्सेज सिर्फ अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि चैरिटीज या रिलीजियस एक्टिविटीज। ट्रस्ट को फार्मेसी के रूप में स्टैब्लिश करके बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से ट्रस्ट के मेन मोटिव के वायलेशन के रूप में देखा जा सकता था। इसी बीच उनके योगासनास को लेकर बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही थी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि उनकी चर्चा फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले NRIs में भी जोरों शोरों से हो रही थी। उनकी कोशिशों को देखकर दिव्या फार्मेसी को NRIs से फंडिंग मिलने लगा। इसी फंड से 2006 में स्टार्ट हुआ इंडियाज आयुर्वेदिक FMCG ब्रांड पतंजलि। जैसे जैसे लोग मोर हेल्थ कंसर्न हो रहे थे, पतंजलि ने एग्जैक्ट टाइमिंग पर मार्केट में एंट्री लिया। 2015 में जब मैगी को हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के लिए हर तरफ से अटैक मिलने लगा था, तभी पतंजलि ने पतंजलि आटा नूडल्स को एक हेल्दियर ऑप्शन के नाम पे लॉन्च किया। पतंजलि के पास बाबा रामदेव की वजह से कस्टमर में एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही ज्यादा था। एक ब्रांड के पास अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग होने के लिए कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होना बहुत ही जरूरी थे। पतंजलि के लिए ये था आयुर्वेद और स्वदेशी प्रोडक्ट। पतंजलि की मेन एडवर्टाइजिंग रूल ही यही थी। आज पतंजलि सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में ही लिमिटेड नहीं है, हेल्थ केयर, डेंटल केयर, पर्सनल केयर से लेकर पतंजलि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी एंट्री कर चुका है। पतंजलि की इतनी बड़ी ग्रोथ का मेन रीजन 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला रीजन है बाबा रामदेव पॉपुलैरिटी एंड ब्रांड एसोसिएशन। रामदेव की अद्भुत पॉपुलैरिटी पतंजलि के सक्सेस में पहला बड़ा फैक्टर है। बाबा रामदेव को संस्कार और आस्था टीवी ने अपने योग एजुकेशन के लिए पॉपुलर बनाया, और ये खुद बाबा रामदेव ने भी क्लेम किया है कि पतंजलि की ग्रोथ में सिर्फ 10% हिस्सा गए, बाकी सब क्रेडिट मीडिया को जाता है। बाबा रामदेव को खुद ही पतंजलि की मार्केटिंग करने के लिए चुनकर पतंजलि ने लोगों का ट्रस्ट जीता। बाबा रामदेव ने ये दिखाया कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स आपको हेल्दी और फिट रहने में कैसे हेल्पफुल है। दूसरा रीजन है रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आपने नोटिस किया था तो 2011 से पहले पतंजलि के प्रोडक्ट सिर्फ कुछ ही दुकानों में बिक रहे थे, लेकिन इस ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम था। 2011 में पतंजलि को ये रियलाइज हुआ कि ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बाद भी उनके प्रोडक्ट्स बड़े ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं रहे थे, इसीलिए पतंजलि ने रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट किया। इसने पतंजलि की अवेलेबिलिटी और मार्केट साइज को भी ग्रो किया, जिसके कारण सिर्फ 1 साल बाद ही पतंजलि का रेवेन्यू 2x से बढ़ चुका था। इसके अलावा रिलायंस रिटेल, फ्यूचर ग्रुप और दूसरी कंपनी के साथ मिलकर पतंजलि ने खुद का एक रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग, माई नेम इज आयुष एंड यू आर वॉचिंग द इनसाइड स्टोरी।